हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित पाटकर। गाइस, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की तब मेरे कैमरे से माइक का कनेक्शन निकल गया था। आई थिंक मैं उसको कनेक्ट करना भूल गया था। प्लीज़ गाइस, हो सकता है इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा नॉइस ऊपर नीचे हो या आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो ऑडियो में। प्लीज़ गाइस, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित पाटकर एंड यू आर वाचिंग IIIQ। जैसा कि आपको पता है गाइस, हमारी ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल पे, जो कि डेली डेली टेस्ट सीरीज के नाम से चल रही है। उसी के हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का नाम है CTQ, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। मतलब हम कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे थ्रू द क्वेश्चन। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, मतलब ज्यादा हम डेप्थ थ्योरी कवर नहीं करेंगे, लेकिन हम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से इसमें डील करेंगे। मेनली हम इस पे कंसेप्ट पे काम करेंगे, उसकी बैकग्राउंड थ्योरी पे ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। यही मकसद है सीरीज का, विच इज CTQ। ये हमारा प्लान है आपके लिए गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं IIIQ पे अभी सर ने कुछ दिन पहले पूल रखा था, जिस पूल में आपने बोला था कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। कुछ बच्चों ने मशीन को ऑप्ट किया था, तो हम डेली फ्री क्लासेस में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम डेली फ्री टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, उसके बीच में हम एक और चीज प्लान कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में आपको मैंने बताया है कि कॉन्सेप्ट से मेनली डील किया जाएगा, जो कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे, जो भी टफ क्वेश्चंस आएंगे या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम CTQ सीरीज में डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल्ड एनालिसिस देंगे उस क्वेश्चन का, कि उस क्वेश्चन में किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है IIIQ टेस्ट करके। देखिए गाइस, ये सीरीज तभी आपको मिलेगी जब इस सीरीज पे रिस्पॉन्स अच्छा होगा, है ना। अगर इस सीरीज पे रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली हम इतना एफर्ट नहीं डालेंगे। बिकॉज आपको पता होगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जाके एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है, आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है चीज़ें, तो डेफिनेटली क्यों हम अपना एफर्ट बेस्ट करें, किसी और चीज़ में एफर्ट्स लगाएंगे। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, एक मिनट। देखिए गाइस, आपको एक टारगेट दिया जा रहा है फॉर CTQ सीरीज। इसमें अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं, मतलब 100 लोग बोलते हैं अगर कि हमें ये सीरीज चाहिए है, सॉरी कमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, 100 कमेंट्स आते हैं प्लस 200 लाइक्स, तो डेफिनेटली हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, मीन्स इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली ये सीरीज आज के बाद नहीं आएगी, है ना। तो आपका ये टारगेट है गाइस 100 कमेंट्स। अगर आपको चाहिए तो हाँ लिखिए कमेंट्स में, बताइए हमें कि कैसा लगी आपको ये सीरीज, और 200 लाइक्स। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट गाइस याद रखिए, 100 कमेंट्स 200 लाइक्स, इट्स योर टारगेट। If you are not matching it, then definitely this series will not be continued, है ना? देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एल इज, इनमें से आपको बताना है कि इंडक्टेंस की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए हेनरी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही डिटेल में आज समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर टेक कर लेते हैं, ऑल ऑफ अबव, है ना। सारी यूनिट इंडक्टेंस की यूनिट है। मोस्टली आपको पता होगा कि हेनरी यूनिट होती है, लेकिन शायद हो सकता है दोनों यूनिट्स के बारे में आपको ना पता हो। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये तो सबको पता होता है कि इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है, लेकिन ये देखते हैं कि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर कहां से इसकी यूनिट आती है। जैसे कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, वी इज नथिंग बट दी एल डी आई अपॉन डी टी, है ना गाइस। टाइम में यहाँ पे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से,
करंट है यहाँ पे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, और ये वोल्टेज है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से। तो बस कर लीजिए मैथमेटिकल कन्वर्जन्स, ये यहाँ पे वोल्ट है, सेकंड को यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वोल्ट सेकंड, इसको नीचे लेके जाएंगे तो एम्पियर विच इज हेनरी, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होती है हेनरी। तो आप देख सकते हैं हेनरी इज ऑल्सो इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। सीधा क्वेश्चन आएगा गाइस जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकंड देखते हैं वेवर एम्पियर कहां से बनता है। ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि अपन को पता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एन पाई अपॉन आई, सबने पढ़ा होगा। देखिए गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये सीरीज उन्हीं को समझ में आएगी जिनने डिप्लोमा या बीटेक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब जिनको थोड़ा नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में। अगर बिल्कुल भी आपका डिब्बा बोल है तो डेफिनेटली आपको जो मैं समझाने वाला हूँ ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डिप्लोमा में या बीटेक में अच्छे से पढ़ा है उनको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ये बेसिक से बहुत ज्यादा बेसिक से, ये साइया इज इक्वल टू सॉरी साइया अपॉन आई, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आई क्या ये फाई क्या है फ्लक्स है, आई क्या है करंट है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स है, फ्लक्स की यूनिट वेवर है, इसकी यूनिट एम्पियर है। एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, जब फाई को हम कन्वर्ट करेंगे इसको हम और क्या लिख सकते हैं, फाई को एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस भी तो लिख सकते हैं गाइस, सबने पढ़ा होगा है ना। ये मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है करंट के, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट होती है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। तो करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स को एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, क्योंकि एमएमएफ वोल्टेज के इक्विवेलेंट है और रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ पे फाई को जब पुट करेंगे तो हम पाएंगे कि एन इंटू आई अपॉन रिलक्टेंस, क्योंकि एमएमएफ क्या होता है एन इंटू आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि एन एन से क्या हुआ, एन स्क्वायर हुआ, आई मल्टी आई यहाँ पे है, नीचे यहाँ पे आई ऑलरेडी थी, अपॉन आई इंटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है। अगर कहीं पे आपको एस लिखा मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर कैपिटल आर इस टाइप से लिखा मिलता है तब भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही रिलक्टेंस के रिप्रेजेंटेशन है। आई से आई यहाँ पे कैंसिल हुआ, फाइनल इक्वेशन क्या बनती है एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल, कैसे, क्योंकि रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन म्यू ए, जब आप उसको इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस होता है ना गाइस, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है ना गाइस, कंडक्टेंस होता है, वैसे ही इसमें परमेंस होता है। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, देख लीजिएगा। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। रेजिस्टेंस का सिमिलर क्या है रिलक्टेंस, कंडक्टेंस का सिमिलर क्या है परमेनेंस। सर रिलक्टेंस का यूनिट होता है वन अपॉन हेनरी भी बोलते हैं इसको, तो परमेनेंस का क्या होगा हेनरी यूनिट होता है ना गाइस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी इज अ यूनिट ऑफ, तो हेनरी परमेनेंस की यूनिट होती है। आपसे पूछा जा सकता है रिलक्टेंस की यूनिट क्या है, तो हो सकता है रिलक्टेंस की यूनिट में आपको एम्पियर टर्न पर वेवर ना देके हेनरी दे दे, है ना, क्योंकि एम्पियर टर्न पर वेवर भी होती है रिलक्टेंस की यूनिट। तो हो सकता है आपको वन बाय हेनरी दे दे, मतलब वन बाय हेनरी भी पूछा जा सकता है, और परमानेंस के लिए हेनरी होगा। तो ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि रिलक्टेंस की यूनिट होगी वन अपॉन हेनरी, परमानेंस की यूनिट होगी हेनरी, एम्पियर टर्न पर वेवर इज इक्वल टू वन बाय हेनरी, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम देख रहे थे रिलक्टेंस में ये वाला फॉर्मूला जो था ना इस टाइप से, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा एम एम एफ अपॉन फ्लक्स फाई, है ना, ये रिलक्टेंस के इक्वल हुआ, जी बिल्कुल हुआ। इसको मैंने आपको बताया था एम एम एफ इज इक्वल टू एन आई, है ना, ये हमने पहले आपको बता चुके हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स आई करंट,
एमएमएफ की यूनिट क्या बनेगी? एमएमएफ की यूनिट बनेगी एम्पियर पर एम्पियर टन। फ्लक्स की यूनिट क्या बनेगी? वेबर, है ना गाइस। एम्पियर टन को सिंपली एम्पियर भी लिखा जाता है, ये आप बहुत सारे बुक्स में या क्वेश्चंस में देखेंगे जब आगे आप पढ़ाई करेंगे कि एम्पियर लिखी हुई है डायरेक्ट यूनिट, एम्पियर पर वेबर रिलक्टेंस की यूनिट। तो कंफ्यूज नहीं होना, एम्पियर टन और एम्पियर दोनों एक ही चीज है, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है गाइस कभी भी, ये हमेशा आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्पियर टन और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके बराबर में, एम्पियर टन और एम्पियर, तो एम्पियर से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूला किसका बनता है हमारा? एम्पियर टन पर वेबर रिलक्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन हमें तो 1/हेनरी, रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1/हेनरी है, यहाँ पे हमें परमानेंस चाहिए, परमानेंस मतलब हेनरी, तो कर दीजिए रिलक्टेंस यूनिट का उल्टा, रिलक्टेंस यूनिट वेबर पर एम्पियर, हो गई यूनिट उल्टी, तो हेनरी इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर, और 1/हेनरी इज इक्वल टू एम्पियर टन पर वेबर। थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक चीजें देख लीजिएगा, बस आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, परमानेंस की यूनिट हेनरी होती है, हेनरी इज आल्सो इक्वल टू वेबर पर एम्पियर, तो यहां से हमारा ये ऑप्शन भी सही होता है, उस वाले कॉन्सेप्ट से हमारा ये क्वेश्चन भी सही होता है, ये तो हमें पता ही है। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। देखिए गाइस, थोड़ा सा अब हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में देखेंगे, बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, और हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी ना पता हो, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज थोड़ा सा इनके बारे में सीख लीजिए। कहीं भी सर्किट में अगर आपको आता है लिखा कि शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो एंड करंट इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, या फिर एक वैल्यू भी होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ये रिजल्ट आपको याद रखना है। शॉर्ट सर्किट के केस में हमेशा और हमेशा वोल्टेज जीरो होगा और करंट इनफाइनाइट होगी इन आइडियल केस। सिमिलर इन ओपन सर्किट, वोल्टेज इनफाइनाइट एंड करंट जीरो, क्योंकि जब ओपन सर्किट होगा तो पाथ ही कंप्लीट नहीं होगा। फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सिंगल कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होती है, पाथ को क्लोज होना रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम बोलते हैं सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, है? तो ओपन सर्किट में डेफिनेटली करंट जीरो होगी, वोल्टेज इनफाइनाइट होगी, और इस केस में करंट इनफाइनाइट होगी और वोल्टेज जीरो होगा। लेकिन पार्शियल शॉर्टकट, पार्शियल शॉर्ट सर्किट भी होता है गाइस, और पार्शियल ओपन सर्किट भी होता है, मतलब कंप्लीटली शॉर्ट भी नहीं है, कंप्लीटली ओपन भी नहीं है, मतलब फुल शॉर्ट सर्किट है तो डेफिनेटली करंट इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर करंट इनफाइनाइट नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो भी शॉर्ट सर्किट ही कहलाएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे भैया हम कि करंट कितनी है तो शॉर्ट सर्किट बोलेंगे? तो हमेशा याद रखना है, करंट अगर 2 times है, ग्रेटर देन 2 times ऑफ रेटिंग, जैसे कि मान लीजिए किसी मशीन का रेटिंग है 100 amperes, और अगर करंट 200 amperes से भी ज्यादा फ्लो हो रही है, तो हम उसको शॉर्ट सर्किट की कैटेगरी में ही रखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, मतलब करंट की रेटिंग अगर 2 times ऑफ रेटिंग है तो डेफिनेटली वो शॉर्ट सर्किट के केस में काउंट किया जाएगा, है ना भाई। ऐसे इसमें देखते हैं कि वोल्टेज की रेटिंग अगर 2 times होती है, इक्विपमेंट रेटिंग से, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग से, जो भी आपको करना है कर लीजिए, बस रेटिंग जो दी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट डिजाइन है 230 पे, लेकिन उसका वोल्टेज हो जाता है 360 के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर ग्रेटर देन है तो ये ओपन सर्किट की कंडीशन है। तो ये गाइस अपन देख सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिए। लेकिन अगर 200 से नीचे है, लाइक 150 amperes है, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट नहीं बोलते। कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 200, ये कंडीशन होगी ओवरलोड की, इसको हम ओवरलोड बोलेंगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज 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 इसको याद रखिएगा, ग्रेटर देन 2 times होगी तभी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। देखिए गाइस, जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस में से कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था, जैसे कि बूस्टर ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूटर में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है। अब टेस्ट सीरीज को जब वो ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि डिस्ट्रीब्यूटर इज
सॉरी बूस्टर इज कनेक्टेड, तो उसका आंसर था कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। एक अपने फ्रेंड ने बोला था कि सर ट्रांसमिशन लाइन में क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बूस्टर का काम पता होना चाहिए कि बूस्टर करता क्या है। बूस्टर कुछ नहीं है, बूस्टर एक कंपनसेशन डिवाइस है। जब ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जब वोल्टेज ड्रॉप की वजह से रिसीविंग एंड पे वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू या रेटेड वैल्यू से कम हो जाता है, तो उस वोल्टेज को कंपनसेट करने की जरूरत होती है। उस वोल्टेज कंपनसेशन के लिए हम बूस्टर का यूज करते हैं। बूस्टर कुछ नहीं होता, एक ट्रांसफार्मर ही होता है एक टाइप से, और कुछ जगह पे आप देखेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर भी यूज करते हैं बूस्टर के लिए, लेकिन वो डीसी सप्लाई के केस में करेंगे, और ट्रांसफार्मर के केस में एसी सप्लाई के केस में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एज अ बूस्टर। तो देखिए गाइस, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जब हम ये मान लीजिए सप्लाई एंड है ना, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये बस है, जनरेटिंग बस है ये, और ये लंबी लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, मान लीजिए 100 किलोमीटर की लाइन है। अब देखिए गाइस, इस ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस आर की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा डेफिनेटली, तो हमारी जो रिसीविंग बस है उस पे रेटेड वोल्टेज हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 220 केवी की बस है, तो हमें 220 केवी पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। लेकिन हमें पता है गाइस कि हम 220 केवी पे तो कभी सिस्टम ऑपरेट करते ही नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रांसमिशन लेवल का वोल्टेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का वोल्टेज तो नहीं है। तो हम इस 220 केवी को रिड्यूस करते हैं 11 केवी में, और फर्दर फिर इसको रिड्यूस करते हैं 440 केवी में और 230 केवी में। यहाँ पे आपको सही दिख नहीं रहा होगा, तो ये 220 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करेंगे और 230 वोल्ट या 440 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, थ्री फेज और सिंगल फेज। जब हमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करना ही है, तो फिर हमें अलग से बूस्टर ट्रांसफार्मर या डीसी सीरीज जनरेटर लगाने की क्या जरूरत है। नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके हम ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, इसीलिए कभी भी हम यहाँ पे बूस्टर का यूज नहीं करते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूटर में भी यूज करते हैं, तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटर का फंडा ये होता है कि फीडर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट किया जाता है। जब फीडर से फीडर सब स्टेशन से फीडर निकलता है, तो पहले यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सब स्टेशन है, सब स्टेशन से नंबर ऑफ फीडर्स जाते हैं जो कि पोल फीडर जाते हैं, ये मान लो फीडर है, तो ये सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर होता है फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है ना, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, फीडर के तक ही ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज कंपनसेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड है फाइनल, यहाँ पे कंज्यूमर यूज कर रहा है, अगर यहाँ पे वोल्टेज का रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका लोड करंट बढ़ जाएगा और इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज को कंपनसेट करने की सख्त जरूरत है। जबकि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को कंपनसेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहा है। ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को या टेप चेंजर को हम वेरी करके वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इस बूस्टर को यूज सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है, ना कि ट्रांसमिशन लाइन में। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, किसने ये डाउट पूछा था देख लीजिए उसको। देखो गाइस, एक और डाउट आया था एक फ्रेंड के लिए कि आरएल सर्किट में एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, है ना, तो उसका आंसर था प्योर रेसिस्टिव सर्किट। इसमें पता नहीं क्यों डाउट आया था, ये तो बहुत ही फंडामेंटल, इसमें डाउट आने नहीं चाहिए था। ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है L R। हमें पता है एसी के केस में एक्सएल क्या होगा, एक्सएल होगा 2πfL। इस केस में फ्रीक्वेंसी बोल रहा है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये रिप्रेजेंटेशन जब भी मैं बनाऊं समझ लेना कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। देखिए गाइस, यहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, एक्सएल क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। एक्सएल बहुत हाई हो जाएगा मतलब एक्सएल को मेजर करते हैं ओम में, जब बहुत हाई होता है ओम तो डेफिनेटली तो ओपन सर्किट की तरह हो गया ना। ओपन सर्किट में हमारा क्या हो रहा था, ओपन सर्किट में तो रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है ना, जब सर्किट ओपन हो जाता है तो।
डेफिनेटली ये तो ओपन सर्किट हो गया। ठीक है भैया, ये ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो बचा क्या सर्किट में? सिर्फ रेजिस्टेंस ही तो बचा। तो ये तो डेफिनेटली प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। बहुत ही सिंपल चीज है। देखो गाइस, एक और डाउट आया था जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। ये बहुत ही अच्छा डाउट भी है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये डाउट था कि फॉर स्लिपिंग इंडक्शन मोटर टी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप। उसमें बोला गया था कि जो टी मैक्सिमम होता है वो डिपेंड करता है स्लिप पे कि नहीं करता है। ऑप्शन थे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्लिप, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप, इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्लिप, और चार ऑप्शन थे कुछ भी, आप देख लीजिएगा ऑप्शन को जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि टी मैक्सिमम होता क्या है। ये आपने एक टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसको। ये स्पीड है एंड ये है टॉर्क। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में इस टाइप का एक डायग्राम देखा होगा आप सबने, हो सकता है अच्छे से एनालाइज ना किया हो डिप्लोमा या बीटेक में, तो आज थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए इसको। दिस इज द टी मैक्स कंडीशन, दिस इज द टी स्टार्टिंग कंडीशन। ये टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, और यहां पे कहीं पे हमारा रेटेड टॉर्क होता है। रेटेड टॉर्क का मतलब जिस टॉर्क पर नॉर्मली मोटर ऑपरेट होती है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये एन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट एन एस है। इस कंडीशन में एन जीरो है, यहां पे स्लिप क्या है वन है, यहां पे स्लिप जीरो है। देखो इससे, इस डायग्राम से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना जितने आप सोच नहीं सकते हैं। अगर ये डायग्राम आपने डिटेल में पढ़ लिया, समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता कि इंडक्शन मोटर से कोई भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे बनते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा टी मैक्सिमम है, ये है एस मैक्स। एस मैक्स मतलब ये मैक्सिमम स्लिप है, नॉट स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम है। जिस स्लिप पे टी मैक्स आता है उसको एस मैक्स बोलते हैं। वैसे तो एस मैक्सिमम ये है वन इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। इसके बाद भी होगी स्लिप, यहाँ पे स्लिप टू भी होगी जो कि ब्रेकिंग और ब्रेकिंग के केस में हो जाएगी, और जब इसके बाद जाओगे तो फिर जनरेटिंग कैसे जाएगा इंडक्शन जनरेटर का। जब आप इसको डिटेल में मशीन में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए बस थोड़ा थोड़ा समझ लो जितना समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो एस होगी वो 2-5% होती है। देखो गाइस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटिंग रेंज में स्लिप का परसेंटेज कितना होता है। 2-5% ही सिर्फ स्लिप होती है, इससे ज्यादा नहीं होती कभी भी। ये हमारा टी मैक्सिमम कंडीशन है। देखिए गाइस, ये तो स्टेबल पॉइंट है ना, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे टी मैक्सिमम आएगा जो कि स्टेबल होगा। जब पॉइंट स्टेबल है तो डेफिनेटली एस मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना। मतलब स्लिप कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये शिफ्ट होता जाएगा इसके अकॉर्डिंग। एस मैक्सिमम जहां पे आएगी ना, ये सर्किट पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, सॉरी मशीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, ना कि ऑपरेशन नल पैरामीटर पे। तो जब आप SM को शिफ्ट करेंगे ना तो टी मैक्स भी उसके साथ शिफ्ट होगा। तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि यहां पे टी मैक्स चला जाएगा, कभी कभी यहां पे टी मैक्स आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। टी मैक्स पॉइंट हमेशा SM के साथ फिक्स रहेगा, जहां पर SM मूव करेगा टी मैक्स भी मूव करेगा। तो टी मैक्स की वैल्यू कभी भी S स्लिप की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि स्लिप इंक्रीज हो रही है, स्लिप इंक्रीज हो रही है मतलब ये हो गया स्लिप पे, तो टी मैक्स भी यहां पे जाएगा। वैल्यू ऑफ टी मैक्स कभी जानी नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन है टी मैक्स, तो 10 न्यूटन से 8 न्यूटन थोड़ी ना हो जाएगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। तो वैल्यू ऑफ टी मैक्स इज नेवर डिपेंड ऑन एस मैक्सिमम। पॉइंट फिक्स पॉइंट वेरी कर सकता है, मतलब उसका प्लेस वेरी कर सकता है, बट वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी। ये वैल्यू है, ये इसका प्लेस है, मान लो यहाँ पे ए है तो ये बी पे भी आ सकता है, इसके साथ ये पूरा कर्व ही शिफ्ट होगा, यहां पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैल्यू जो है ना इसकी, ये टॉर्क में वैल्यू, सॉरी न्यूटन में, ये कभी वैरी नहीं करेगी। तो यही इसमें पूछा गया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टी मैक्सिमम डिपेंड ऑन स्लिप, तो आपको इसका ऑप्ट करना था एस मैक्सिमम। देखो गाइस, टी मैक्स के इस साइड वाली जो स्टेट होती है ना, थोड़ा सा और समझ लो, मैं इसे डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये वाली स्टेट जो होती है, ये होती है स्टेबल स्टेट, ये होती है अनस्टेबल स्टेट, है ना। क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है, यहां पे कहीं पे हमारी रोटर होगी, रोटर सॉरी इस पॉइंट में कहीं पे रोटर स्पीड होगी,
इसी रोटर स्पीड में नॉर्मली इंडक्शन मोटर ऑपरेट करती है। तो ये वाला जो रीजन है ना पूरा TMX से लेके यहां तक, ये पूरा स्टेबल रीजन कहलाता है, ये वाला अनस्टेबल रीजन कहलाता है। मतलब अगर हमारी स्पीड इस रीजन में आ जाती है, मतलब मोटर इस रीजन में ऑपरेट होगी तो डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाएगी। सॉरी गाइस, ये TST है स्टार्टिंग टॉर्क, जो कि हमेशा 1.5 टाइम्स ऑफ TM होता है, मतलब रेटेड टॉर्क, या फिर बोल सकते हैं इसको रनिंग टॉर्क के 1.5 टाइम्स होता है। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको। एक और किसी गाइस ने बोला था कि हीट लॉस इन ट्रांस बॉयलर में सबसे ज्यादा होता है। भाई बिल्कुल भी ये चीज याद मत कर लेना, बॉयलर में हीट लॉस डेफिनेटली बहुत हाई होता है, लेकिन कंडेंसर जो होता है ना गाइस, इसमें हीट लॉस सबसे ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ऑल द थर्मल डिवाइसेस। मतलब थर्मल पावर प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सब में कंडेंसर में सबसे ज्यादा पावर लॉस होता है। बॉयलर में हीट लॉस होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा होती है कंडेंसर में। क्यों भैया कंडेंसर में क्यों करते हैं? देखो कंडेंसर का एक गाइस प्रिंसिपल होता है। देखो जैसे कि ये मत मान लो ये हमारे यहाँ से स्टीम आई पूरे पावर प्लांट से प्रोसेस होने के बाद, और ये हमारा टर्बाइन है, टर्बाइन के बाद यहाँ पे कंडेंसर कनेक्ट है। तो ये एक फिजिक्स का लॉ होता है, अगर टर्बाइन के एंड पे लो प्रेशर होगा, मतलब जितना लो प्रेशर होगा ना टर्बाइन उतनी ही हीट से मैकेनिकल एनर्जी को खींच पाएगा, समझ रहे हैं ना गाइस? टर्बाइन के एंड पे जितना लो प्रेशर होगा उतनी ही कैपेसिटी से स्टीम से मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर पाएगा, स्टीम के प्रेशर को कन्वर्ट कर पाएगा मैकेनिकल पावर में, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, एक बार और देखिए इसको। ये यहाँ पे है स्टीम का एंट्रेंस, है ना? तो जब यहाँ पे प्रेशर जितना लो होगा उतनी ही ज्यादा स्टीम प्रेशर को ये मैकेनिकल प्रेशर में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि टर्बाइन क्या करता है, टर्बाइन कुछ नहीं करता है, प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशनल एनर्जी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अल्टरनेटर कनेक्ट करते हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को, प्राइम मूवर जैसे बिहेव करती है और रोटर को रोटेट कराती है। उस रोटर की रोटेशन से यहाँ पे एक EMF जनरेट होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कंडेंसर की टर्बाइन के जस्ट आखिरी में लो प्रेशर रखना पड़ता है, और यहां पे तो कंडेंसर कनेक्ट है, मतलब जस्ट इससे कंडेंसर कनेक्ट होता है, इसको लो प्रेशर पे मेंटेन किया जाता है। इसको लो प्रेशर करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा हीट लॉस होती है, क्योंकि स्टीम तो वेरी हाई टेम्परेचर पर आ रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर स्टीम को टर्बाइन में इनपुट कराया जा रहा है, लेकिन कंडेंसर हेड पे लो प्रेशर की वजह से इसका टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो सबसे ज्यादा हीट लॉस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर में होता है। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, है ना गाइस? आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है।